मुख्य चयनकर्ता एमएस के प्रसाद की पंत को दो टूक, विकेट कीपिंग में करना होगा सुधार। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कटक में खेले गए तीसरे व निर्णायक वनडे में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर फ्लॉप रहे। पहले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पंत ने तीसरे वनडे में केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ साथ उन्होंने विकेट कीपिंग में भी निराश किया। इस दौरान वह कई महत्वपूर्ण कैच छोड़े। पंत की इस खराब फील्डिंग पर टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता एमएस के प्रसाद ने उन्हें अपनी विकेट कीपिंग में सुधार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, ऋषभ पंत को अपनी कीपिंग स्किल में सुधार करना होगा। हमें पंत की विकेट कीपिंग में सुधार लाने के लिए एक विकेट कीपर विशेषज्ञ की जरूरत है। पंत ने मैच के दौरान कुलदीप यादव की गेंद पर रोस्टन चेज का कैच तो वहीं रविंद्र जडेजा की दो लगातार गेंदों पर दो कैच छोड़े। इस दौरान उन्होंने शिमरोन हेटमायर और निकोलस पूरन का कैच छोड़ा। मालूम हो कि वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज से पहले पंत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उन्हें तमाम आलोचनाओं का शिकार झेलना पड़ा, मगर पंत ने विंडीज के खिलाफ पहले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन कर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था।